मस्जिदों को बंद करने की अपील पर आया जुवेद अख्तर का बड़ा बयान, बोले अगर काबा और मदीना। नमस्कार, कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए इस समय पूरे भारत देश में हाई अलर्ट जारी है। पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन भी किया जा चुका है। 21 दिनों के लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। कुछ लोग लॉकडाउन का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने अब और भी सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में हिस्सा लेने के लिए विदेश विदेश से करीब 2000 की संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसी को देखते हुए अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ताहिर महमूद ने दारुल देवबंद से अपील की है कि जब तक कोरोना संकट है तब तक सभी मस्जिदों को बंद करने का फतवा दे। ताहिर महमूद की इस अपील के बाद अब लेखक जावेद अख्तर का बड़ा बयान सामने आया है। ताहिर महमूद की अपील सुनते ही जावेद अख्तर ने भी ट्विटर के जरिए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ताहिर महमूद साहब एक विद्वान और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष के दारुल उलूम देवबंद से कहा है कि जब तक कोरोना संकट है तब तक सभी मस्जिदों को बंद करने के लिए फतवा दें। जावेद बोले कि मैं उनकी मांग का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। अगर काबा और मदीना में मस्जिदों को बंद किया जा सकता है तो भारतीय मस्जिदों को क्यों नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए रहते हैं। धन्यवाद।